नीतिवचन अध्याय 5 नीतिवचन अध्याय 5 हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़ुआ और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचे हैं, इसलिए उसे जीवन का समधर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, और पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, और मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहा। प्रिय हरिणी व सुंदर सांभरिणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उनके सब मार्गों पर विचार करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बांधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा।